अखिलेश यादव बेरोजगार है, क्या केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर बेरोजगार साबित करना चाहते हैं या फिर यहाँ पर चश्मा लगाने की जरूरत है, तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। देखा जाए केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच में भिड़ंत बार बार देखने को मिलती है। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे पर लगातार तंज कसते हुए नजर आते हैं, लेकिन आखिरकार क्यों? यहाँ पर देखा जाए तो काफी सारी रिपोर्ट्स मैं पहले भी साझा कर चुकी हूँ, जिसमें यहाँ पर आपको बताया कि अखिलेश यादव किस तरीके के ऑफर्स यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को देते नजर आते हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार अखिलेश यादव पर तंज कसते नजर आते हैं। यहाँ पर आपको बता दूं कि कुछ जानकारियां सामने आई है जो काफी ज्यादा चौंका देने वाली है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के यहाँ पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अब समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साध रहे, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि नगर निकाय चुनाव है और उसके बाद लोकसभा के भी चुनाव है, तो आखिरकार किस तरीके से जीत हासिल करनी है, दूसरी पार्टियों को किस तरीके से लोगों के नजरों में गिराना है, ये काम बखूबी तरीके से निभाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे आपको बता दूं कि फिरोजाबाद की ग्राम पंचायत कोटकी में एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बेरोजगार है, अखिलेश यादव बेरोजगार लोगों को देखते हैं और अगर मदद करनी है तो रोजगार क्यों नहीं देते अपने अपने इलाकों में, गली मोहल्ले चौबारे में। इस तरीके की बात केशव प्रसाद मौर्य ने कही। यहाँ पर एक ट्वीट भी करते नजर आए, वो ट्वीट भी हम आपके साथ साझा यहाँ पर कर रहे हैं। आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने यहाँ पर लिखते हुए अखिलेश यादव पर तंज कसना शुरू कर दिया। आगे आपको बता दूं कि यहाँ पर ओबीसी आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, बड़ी बात यहाँ पर कही गई है। कहीं ना कहीं देखा जाए नगर निकाय चुनावों की तारीख जो आगे बढ़ी है, जो देखा जा रहा है उसमें ओबीसी आरक्षण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अखिलेश यादव, मायावती, ओपी राजभर, ना जाने कितने सारे नेताओं ने लगातार ये कहा कि यहाँ पर ओबीसी आरक्षण ना मिले, इसलिए यहाँ पर योगी सरकार ने सारा खेला किया। लेकिन योगी सरकार लगातार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाती नजर आई ओबीसी आरक्षण को लेकर, ये कहती नजर आई कि आरक्षण बेहद ज्यादा जरूरी है, तो जब तक आरक्षण नहीं मिलता तब तक चुनाव नहीं होंगे और इसलिए कोर्ट ने तारीख को आगे कर दी है। वहीं पर देखा जाए आवारा पशुओं को लेकर ये मुद्दा भी यहाँ पर उठाया गया कि यहाँ पर अगर आप किसी भी आवारा पशु को देखते हैं सड़क पर, तो उसको आप यहाँ पर किसी भी गौशाला में, धर्मशाला में, अलग अलग जगह पर आप भेज सकते हैं, लेकिन इस तरीके से व्यवहार करना बिल्कुल सही नहीं है। तो अलग अलग मुद्दों को लेकर केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर तंज कसते नजर आए। आखिरी में आपको बता दूं कि पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार होता था, ये बात यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ने कही है। ये पहली बार नहीं है ऐसा, बृजेश पाठक हो गए और भी नेता हो गए जो लगातार यहाँ पर समाजवादी पार्टी पर इल्जाम लगाते नजर आते हैं कि या तो गुंडा राज कह लीजिए या फिर यहाँ पर भ्रष्टाचार कह लीजिए। सपा के समय पर ये दोनों ही चीज़ें थी। यहाँ पर किस तरीके से महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता था, दुर्व्यवहार होता था, वो सब सपा के समय होता था। भ्रष्टाचार जो लगातार बढ़ता था, घूस देकर यहाँ पर नौकरी लग जाते थे लोग, वो सिर्फ सपा के दौरान होता था जब सपा सत्ता में थी। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद यहाँ पर सब कुछ बदल गया, भ्रष्टाचार ना के बराबर हो गया, दुष्कर्म नहीं होता है, लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की जाती, कानूनी व्यवस्था पूरे तरीके से होती है, इस तरीके से अपनी बात रखते नजर आए। तो आपको क्या लगता है कि इसी तरीके से अगर चलता रहा केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव पर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो आने वाले समय में तगड़ी भिड़ंत भी देखने को मिल सकती है। अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।